दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि काफ़ी लोगों को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 9th में है, 10th में है, तो इसमें एक ही डाउट सबके मन में रहता है कि क्या मैं मैथ में पास हो जाऊँगा, क्या मैं मैथ कर पाऊँगा। मतलब सबसे ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट लगता है 90% स्टूडेंट्स को, वो लगता है मैथ्स। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो सबसे पहली चीज़, मैथ से आपको प्यार हो जाएगा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको पसंद आएगा एंड स्कोर तो आप अच्छा कर ही पाएंगे। एक्चुअल में मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट है, ये और सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। इसको पढ़ने के कुछ अलग तरीके हैं जो कि हर किसी को नहीं पता होते हैं। अगर वो चीज़ें सभी को पता चल जाएं तो मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो कौन सी वो टिप्स हैं जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियोज इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। अगर आपको मन में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, नंबर पहली टिप क्या है कि मैथमेटिक्स को आप कभी भी अदर सब्जेक्ट से कंपेयर करने की कोशिश ना करें। मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि कोई भी बच्चा हो, कितना भी होशियार हो, वो जिस तरीके से इंग्लिश में 100 मार्क्स ले आता है, जिस तरीके से वो अदर सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, इनमें पूरे मार्क्स ले आता है, जिस तरीके से पढ़ता है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ने की ट्राई करता है। और जब उस तरीके से मैथ को पढ़ने की ट्राई करता है तो उसके मार्क्स मैथ में डेफिनेटली कम आते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैथ को उस तरीके से पढ़ना ही हमें नहीं होता है जिस तरीके से हम अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो मैथ्स इज अ स्पेशल सब्जेक्ट, इसको आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। अदर सब्जेक्ट वाली स्ट्रेटजी इसमें आप नहीं लगा सकते हैं। ये था फर्स्ट टिप। नंबर सेकेंड चीज है, डोंट विजुअलाइज मैथमेटिक्स। अब यार, आप साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन है, थ्योरी है, तो हम क्या करते हैं कि लिखने की बजाय देख देख कर हम उसको याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि आई थिंक हो जाता है काम। लेकिन जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, काफ़ी लोग इसको भी विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सॉल्यूशन देख के नेट से कहीं से भी, फिर कॉपी खोल के उसको देखते जाएंगे ये ऐसे किया, ये हमने ऐसे किया, और उस तरीके से वो मैथ पढ़ते रहते हैं। फिर होता क्या है कि जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तरीका पूरा पता होता है लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कभी भी मैथ को विजुलाइज करके पढ़ने की कोशिश ना करें। हमेशा जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ें, कॉपी पे लिख लिख कर पढ़ें, कैलकुलेशन भी खुद से करें, सारी चीज़ खुद से करें, तरीका है वो आप देख सकते हैं, लेकिन बिना कॉपी पेन के कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ने का ट्राई मत करना। फॉर्मूला वगैरह याद कर सकते हो, लेकिन सही तरीका नहीं है कि आप बिना कॉपी पेन लिए मैथ को विजुलाइज कर रहे हो, ये एकदम गलत तरीका है। हमेशा कॉपी पेन लेकर ही मैथ को पढ़ें। दोस्तों, नंबर थर्ड टिप क्या है कि जब भी आप मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, उसकी थ्योरी क्लियर करें, उसको पढ़ें अच्छे से। उसके बाद आप सॉल्वड एग्जांपल्स जो बुक में दिए रहते हैं वो आप सॉल्व करें, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें। मैं काफ़ी लोगों को नोटिस करता हूँ, इनफैक्ट क्लास 8 तक स्कूल में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, बेसिक्स नहीं बताया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाती हैं, जो कि गलत तरीका है। पहले आप बेसिक्स पढ़िए, सॉल्व एग्जाम्पल्स करिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करें मैथमेटिक्स में। दोस्तों, नंबर फोर्थ चीज क्या है, जब भी आप मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको सिर्फ एक बार ना करें। मैं देखता हूँ काफी लोग जैसे कि एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर रहे हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देखी या कुछ भी कोचिंग गए, एक बार सॉल्व कर ली, बस खत्म, हमारी 1.4 खत्म हो गई, फिर 1.5 कर लिए, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करें एटलीस्ट 3 बार उसका रिवीजन करना है। 3 बार रिवीजन करेंगे तो 3 बार क्वेश्चन वगैरह ऑटोमेटिकली आप पढ़ेंगे तो जो कॉन्सेप्ट होगा, तरीका होगा, वो आपके दिमाग में सही से बैठेगा। कभी भी एक बार में कोई भी क्वेश्चन को ये ना सोचें कि हमको आ गया, उसको एटलीस्ट 3 बार खुद से प्रैक्टिस करें। पहली बार आप सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप खुद से ट्राई करें सॉल्व करने का, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे सॉल्व करने की, सिर्फ और सिर्फ देखकर ही करते रहेंगे हमेशा, तो फिर आप एग्जाम में गड़बड़ कर देंगे। काफ़ी लोग यही करते हैं, तो खुद से भी जरूर से ट्राई करें सॉल्व करने की। दोस्तों, नंबर फिफ्थ टिप क्या है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, साथ में 3-3 बार रिवीजन भी करते जाएं एंड अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें। साथ में जो 3 बार रिवाइज करने का मैंने बोला है,
वो भी आप जरूर करें। जितना जल्दी आप सिलेबस खत्म करेंगे उतना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आपको दो बार और अपनी एनसीईआरटी वाली मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, समझ रहे हो? एक बार आपने देख के पढ़ दिया, उसके बाद आपने तीन बार उसको रिवाइज कर लिया, पूरा सिलेबस खत्म कर लिया इस तरीके से, उसके बाद फिर से दो बार आपने रिवाइज कर लिया एनसीईआरटी बुक को, बस इतना अगर आपने कर लिया 95% मैथ में लाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही चीज़ फॉलो करना, ठीक है? एनसीईआरटी बुक को आपको दो बार सॉल्व करना है पूरा, एंड साथ में तीन बार रिवीजन भी करना है, तो ये चीज़ आपको जरूर से फॉलो करना है। अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे तो सवाल हैं वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, रट जाएंगे, आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, समझ रहे हो? तो ये भी चीज़ ज़रूर आप फॉलो करना। दोस्तों नंबर सिक्स टिप क्या है कि जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो, आप जब तक आप एनसीईआरटी बुक को दो बार सॉल्व ना कर लें, तब तक आप कभी भी सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक या फिर कोई अदर बुक परचेस मत करना। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहली चीज़ तो यही कि जो बोर्ड एग्जाम बनता है वो एनसीईआरटी बुक से बनता है। अदर बुक को आप फॉलो करोगे तो हो सकता है आप एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ वो चीज़, ठीक है? वो क्वेश्चन आपने पता चला जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो आप भूल गए, लेकिन अदर बुक के आपको आते हैं, तो ऐसा आप कभी भी ट्राई ना करें। सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, कम से कम दो बार उसको लगा लें पूरा, रिवाइज करें, उसके बाद ही आप किसी सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक पर जाएं। तब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक सैंपल पेपर में ना जाएं, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं सैंपल पेपर पर जाओ, बट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो सैंपल पेपर होता है उसमें पूरा कॉम्बिनेशन होता है सभी चैप्टर्स का। क्वेश्चन बैंक में भी यही होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं चैप्टर्स, ठीक है? इसलिए पहले सिलेबस पूरा करें, उसके बाद ही सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक या किसी अदर बुक पर जाएं। दोस्तों नंबर सेवेंथ टिप क्या है? नंबर सेवेंथ टिप ये है कि जो मैथमेटिक्स है इसमें सबसे पहले तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह याद करने पड़ते हैं, तो फॉर्मूला की आप लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है? फॉर्मूला की लिस्ट बनाते चलें, साथ में एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एंड फॉर्मूलाज आप एक लिस्ट बनाकर याद कर सकते हैं, कोई बड़ी सी लिस्ट बना लो, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर लो, एंड जहां पर भी आप स्टडी करते हैं वहां पर आप दीवार पर चिपका सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि ये फॉर्मूला ये है, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो वो आपको शो होगा सामने, तो वो आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा, एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके दिमाग में रहेंगे कि अच्छा भाई साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तरीका ऐसा था वैसा था। तो इस तरीके से आप एक चार्ट जरूर बनाएं एंड जहाँ पे भी स्टडी करते हैं उसके सामने जरूर लगाएं, ताकि फॉर्मूलाज वगैरह आपके माइंड में चले जाएं। दोस्तों नंबर एट टिप क्या है कि ये जो मैथमेटिक्स है ये एक स्किल की तरह है। जैसे कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, ठीक है? तो ये जो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये चीज़ें क्या होती हैं? स्किल्स होती हैं। अब भैया स्किल्स क्या होता है, मतलब ये जो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है, जो स्किल्स होती हैं ना ये एक बार करने में नहीं आती हैं, अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाएंगे किसी भी स्किल पर तो वो स्किल आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो जो ग्राफिक डिजाइनिंग की मेरी स्किल्स है वो इंप्रूव होती जा रही है। मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो मेरी स्ट्रांग होती जा रही हैं, बढ़ती जाएंगी एंड बढ़ती जाएंगी। उसी तरीके से जो मैथमेटिक्स है ये एक स्किल की तरह है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, करते जाना है, कंसिस्टेंटली करना है। अदरवाइज काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि हफ्ते में एक दिन पूरे दिन मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज खत्म कर देंगे पूरी, ठीक है, पूरे दिन पढ़ेंगे, लेकिन पता चला फिर दो दिन छुट्टी ले ली, फिर पाँच दिन छुट्टी ले ली, फिर दो दिन पढ़े, फिर पाँच दिन छुट्टी ले ली। ऐसा नहीं करना है। ये जो मैथमेटिक्स है भले ही आप एक घंटे पढ़े पर डे, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना है, कभी भी छुट्टी नहीं लेना है, क्योंकि मैंने कहा ना ये एक स्किल है, जहाँ पर आपने छोड़ दिया समझो फिर आप वहीं से आपका वीकनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये स्किल है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूव होगा। सो कंसिस्टेंट रहें मैथ में, डेली सॉल्व करें, ठीक है? जब आप डेली सॉल्व करेंगे तो आपकी जो स्किल है मैथमेटिक्स ये इम्प्रूव होगी, आपका जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो इम्प्रूव होगा, कैलकुलेशंस होती हैं वो आप फास्ट तरीके से कर पाएंगे, ठीक है? तो कंसिस्टेंटली मैथ को पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों नंबर नाइन टिप है जो वो ये है कि टेंशन नहीं लेना है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है पूरी एनसीईआरटी सॉल्व किए बैठे हैं विद एग्जांपल सब कुछ, लेकिन फिर भी वो टेंशन ले रहे हैं कि यार आरडी शर्मा बुक में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्कूल वाले टीचर उसी से पूछते हैं क्वेश्चन, वो एग्जाम में आ गए बोर्ड में तो मेरा क्या होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, एनसीईआरटी तो बहुत सरल किताब है। ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइजेस प्लस
एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से कर रखे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपके 95% आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जो भी बोर्ड एग्जाम आता है उसमें से सारे क्वेश्चन, यस सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है, बाकी अदर वो कोई करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का वो एनसीईआरटी से ही आता है, इसलिए एनसीईआरटी बुक पर फोकस करें। एंड एक चीज बता दूं, एग्जाम्पल्स भी जरूर करना है एनसीईआरटी बुक के, मैंने कहा एनसीईआरटी जो बुक है ना इसको आपको घोट के पीना है मैथ का, इसी से सारा एग्जाम पेपर आएगा, छोड़ना नहीं है कुछ भी एनसीईआरटी में, ठीक है। बाकी अदर बुक आप छोड़ सकते हैं, आईडी शर्मा सॉल्व ना करें कोई दिक्कत नहीं, सैंपल पेपर ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बैंक ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, फॉर्मूलाज हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। एंड इतना आपने कर लिया तो मैथमेटिक्स आपको बहुत ईजी लगेगा, इंटरेस्ट आएगा आपको, एंड मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। जितनी भी मैंने टिप बताई सभी को आप फॉलो करना, 21 दिन तक फॉलो करना, 22वें दिन ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स लगने लगेगा। एंड ये जो मैंने टिप बताई इनको आप फॉलो करना, इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करके जरूर बताना क्या ये टिप्स आपके लिए वर्क की, क्या आपको मैथ में इंटरेस्ट आया कि नहीं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।